बॉक्स में जाके सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में। में उसका आपको बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे देखने को ब्लॉग्स मिलेंगे। आंखों में आंखें डाल के बात करना चाह रहे हैं, अफरीदी उनसे आर्गुमेंट करना चाह रहे हैं, आप नजर आ रही है जरूर। ये तो ट्रांसलेट आप ही करेंगे रवि, लिप रीडिंग आपको आती है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं। हम बिल्कुल ठीक हैं और काफ़ी टाइम के बाद हम लोग क्रिकेट के ऊपर वापस एक्शन करने जा रहे हैं और कुछ और भी हमने वीडियोस देखी हैं। तो टॉप 10 हाई वोल्टेज फाइट्स इन क्रिकेट एवर 2021 की वीडियो है कि अब तक जो भी टॉप 10 फाइट्स हुई हैं, तो इसको देखते हैं। देखने के बाद एज ऑलवेज हम लोग थोड़ी बहुत डिस्कशन भी करते हैं, वो भी करेंगे। सो स्टे विद अस। वहाब रियाज, ओए होए, अहमद शहजाद ने उसका बैट पकड़ लिया एक क्रिकेटर का ना। एमएस धोनी, ओए होए। सो गाइस, बिना कोई देरी के वीडियो शुरू करते हैं जहां हम बात करेंगे क्रिकेट में हुए 10 हाई वोल्टेज फाइट्स के बारे में। नंबर 10 पर जो क्लिप है वो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 2013 में हुई एशेज सीरीज के चौथे मैच का, जहां जॉनसन बॉल फेंकने के लिए आते हैं लेकिन केविन पीटरसन साइड स्किन की वजह से क्रीज से दूर हट जाते हैं। इससे जॉनसन गुस्सा होकर बॉल थ्रो कर देते हैं और इसके बाद की गर्मा गर्मी मैदान पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। इसके पीछे की एक्चुअल स्टोरी जॉनसन अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताते हैं, जहां वो बताते हैं कि इस मैच से पहले वार्म अप के दौरान पीटरसन बार बार जानबूझकर बॉल उनकी तरफ मार रहे थे, इसकी वजह से मैदान के बाहर भी उनके बीच झड़प हो चुकी थी एंड शायद वही गुस्सा मैदान पर भी देखने को मिल गया। ये वीडियो वर्ल्ड कप 2011 के पहले पाकिस्तान इंडिया विराट कोहली बांग्लादेशी खिलाड़ी बांग्लादेश यूज कर देते हैं। ओए कि विराट कोहली अपने करियर की अर्ली एज में कितने एग्रेसिव थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच राइवलरी अंडर 19 से ही चल रही है जो अक्सर मैदान पर देखने को भी मिल जाती है। ये इंसिडेंट जनवरी 2013 में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुए T20 मैच का है, जहां ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए आखिरी बॉल पर 4 रनों की जरूरत होती है। श्रीलंकन कैप्टन एंजेलो मैथ्यूज फील्डिंग सेट करने में टाइम ले रहे थे, जिस पर मैक्सवेल एंड श्रीलंकन प्लेयर्स में कहासुनी हो जाती है। Two had already gone. You can see the discussion still going. Not happy at all, some of these players. So the series has been 1-2-0 by Sri Lanka. बाद में मैक्सवेल ने ट्विटर पर इस इंसिडेंट पर श्रीलंका की अच्छा अपोलोजाइज कर लिया। अहमद शहजाद, पाकिस्तान और दिलशान बीच अगस्त 2014 में हुए थर्ड T20 का है। श्रीलंका की बैटिंग के दौरान अहमद शहजाद और दिलशान में कहासुनी हो जाती है एंड इवन शहजाद दिलशान को धक्का भी मार देते हैं। यो धक्का नहीं, हां अ फिजिकल कांटेक्ट विद द ओपोनेंट। इस मैच के बाद का एक और सीन भी सामने आता है जिसमें खिलाड़ी जब मैदान से बाहर जा रहे होते हैं तब अहमद शहजाद दिलशान को उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए बोलते हैं, जो आप इस क्लिप में साफ तरीके से सुन भी सकते हैं। श्रीलंका विनिंग बाय 7 विकेट्स थ्रू द Duckworth Lewis rule, and I'll just explain to people why it is the Duckworth rule, why it is the Duckworth rule, why it is the Duckworth Lewis rule. ये इंसिडेंट 2017 में हुई कैरेबियन प्रीमियर लीग का है। पारी के 16वें ओवर में रकीम कॉर्नवॉल बैटिंग कर रहे थे तब पोलार्ड की बॉल उनके पेट में जा रही थी, जिसके बाद रकीम पेन की वजह से 18वें ओवर में 44 गेंदों पर 78 रन बनाकर रिटायर हो जा रहे थे। लेकिन इसी बीच पोलार्ड 6.5 फीट लंबे और 143 किलो वेट के रकीम कॉर्नवॉल को ना खेल पाने पर सुनाने लग जाते हैं, जो इस क्लिप में साफ तौर पर देखा जा सकता है। Rakeem Cornwall was at the center of this controversial incident in the Caribbean Premier League on Friday. Leeds Pollard is letting him know that that is not in keeping. I suppose you can call it. ये क्लिप 2009 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए नागपुर वनडे का है,
पहली इनिंग के 28 ओवर में जब धोनी रन के लिए दौड़ते हैं तो जॉनसन उनके रास्ते में आ जाते हैं। ये गलत है। वो धोनी जॉनसन से टकरा कर नीचे गिर जाते हैं। वो यार इसके बाद तो आप धोनी का गुस्सा देख सकते हैं। ये गलत किया ना, वो रन ले रहे थे, रास्ते में नहीं आना चाहिए। जॉनसन डिड मूव आउट ऑफ द वे। लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट दैट। इस इंसिडेंट के बदले में धोनी अगली ही गेंद पर एक कड़क चौका जड़ देते हैं। बाद में इस मैच में धोनी ने 107 रनों की शतकीय पारी खेली एंड इंडिया ने इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को 354 रनों का टारगेट भी दिया। ये इंसिडेंट एशिया कप 2010 का है। गौतम गंभीर बैटिंग कर रहे होते हैं, सईद अजमल की गेंद पर कामना अकमल कॉट बिहाइंड की अपील करते हैं लेकिन गंभीर आउट नहीं होते। इसके बाद ड्रिंक्स ब्रेक में दोनों खिलाड़ियों के बीच कहासुनी हो जाती है, तभी धोनी बीच बचाव करते हुए हंसते हुए गंभीर को दूर ले जाते हैं। अकमल को लगा कैच हो गया। ये क्लिप भी सेम मैच का है। मैच की सेकंड इनिंग का 37 ओवर शोएब अख्तर डाल रहे थे और क्रीज पर थे हरभजन सिंह। ओवर की दूसरी गेंद पर हरभजन सिंह शोएब को छक्का मार देते हैं। इसके बाद शोएब अख्तर जब मैच का 49 ओवर लेकर आते हैं तो आखिरी दो गेंदों पर हरभजन सिंह क्रीज पर होते हैं और शोएब उनको दो बाउंसर्स डॉट निकाल देते हैं। इस पर दोनों ही खिलाड़ियों में कहासुनी हो जाती है। मैच काफी रोमांचक था। आखिरी दो गेंदों पर भारत को जीत के लिए 3 रनों की जरूरत होती है लेकिन हरभजन सिंह मोहम्मद आमिर की गेंद पर छक्का मार कर भारत को जिता देते हैं। हाइट देखी थी बॉल। हरभजन सिंह द हीरो, हरभजन सिंह द किंग। फैंटास्टिक पिक्चर्स। व्हाट अ गेम। दैट वाज वेरी नाइस बट ये इंसिडेंट 2007 में इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में हुई वनडे सीरीज का है जिसमें गौतम गंभीर और शाहिद अफरीदी आपस में भिड़ जाते हैं एंड लिटरली देसी में गाली गलौज करते हैं। ओ अच्छा ट्रांसलेट किया तो बहुत ज्यादा हाँ और शायद लोगों को टीवी बंद करना पड़ जाए क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सेंसरशिप की जरूरत होगी। एम गोल मुझे नहीं समझ आ रही कि उनको क्या समझा रहे हैं क्योंकि जो कहा गया है वो तो। ये क्लिप पाकिस्तान सुपर लीग का है जहां वहाब रियाज अपनी बॉल पर अहमद शहजाद को क्लीन बोल्ड कर देते हैं एंड फिर इसके बाद का सीन तो आप देख ही सकते हैं। ओए होए देयर इज अ फिजिकल कांटेक्ट एज़ वेल। वो 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 मैन
not needed. It's hotting up. It really is hotting up. Oh, plenty of action and maybe an overreaction. ओके जी, सो फाइनली हमने सारी 10 की 10 हाई वोल्टेज फाइट्स देखी हैं। और देखें, मैं आपको ये बताता हूँ कि कोई भी क्रिकेट ही नहीं, कोई भी प्रोफेशन हो ना, तो उसमें फाइट्स होती हैं। और क्योंकि क्रिकेट में एक ऐसा उस टाइम होता है, एक टाइम चल रहा होता है कि आपको होता है कि नहीं बस हमने जिताना ही जिताना है, दो चार चीज़ें होती हैं, एग्रेसिव हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा इसमें पाकिस्तान इंडिया का ही आया, आफरीदी वाला आया, उमर अकमल वाला आया, शोएब अख्तर वाला आया, लेकिन ज़रूरी ये नहीं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में होती है। वो बेसिकली होता है प्रेशर अलग होता है, फिर थकन अलग होती है, इतनी देर से वहाँ फील्ड पे खड़े हुए हैं, फिर जो बॉल इतनी पावर से दी जाती है, तो मेहनत अलग, गर्मी अलग, तो वो चीज़ें फिर निकल आती हैं। एंड लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह कि एंड में अगर वो दोनों सुलह कर लें तो वो सबसे अच्छी बात होती है। और इसमें खैर बहुत सारे मोमेंट्स थे कि गर्मा गर्मी हो जाती है, फिजिकल तक होने लगे था। हाँ, मतलब है कि काफ़ी सारे थे, लेकिन जो मुझे एक सबसे जेन्युइन लगा ना, वो मुझे लगा कि वो MS धोनी वाला जो था, कि वो बीच में जो उनके आ जाते वो जानबूझ के ऑस्ट्रेलियन टीम, तो वो बहुत गलत था। और जिस तरह वो मतलब उल्टे होकर गिरे वहाँ पर, उनका गुस्सा मुझे बहुत ही वो जायज़ लगा। और बाकी भी बहुत सारे थे जिनके अपने अपने जाहिर सी बात है, एक अकमल कहते हैं भाई मैंने कैच किया है लेकिन असल में कैच नहीं था, अपील कर रहे थे। फिर उसके अलावा आफरीदी और गौतम गंभीर के बीच में भी हो गया, ठीक है, हो जाती हैं, इट्स अ गेम, एट द एंड इट्स अ गेम। और वो गेम ही क्या जिसमें थोड़ा, तो जैसे एक मैंने इंटरव्यू भी देखा था कपिल शर्मा शो में, उन्होंने कहा था कि जब हम गेम खेलते हैं, हम बाहर निकलते हैं, तो जो गेम के दौरान कहा सुनी हुई होती है वो वहीं पे रह जाती है, तो हम उसको दिलों में लेकर नहीं जाते, तो ये चीज़ मेन होती है। तो ये तो खैर हमने कहा ठीक है, हम क्रिकेट के रिएक्शंस करते हैं तो हमने इसको देखेंगे। तो खैर गाइस, आप बताएं कि इनमें से आपका सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा था, फाइट कौन सी थी। वैसे तो फाइट फेवरेट नहीं होनी चाहिए, आप बताएं कि आपका, आपको कौन सा ठीक लगा। मुझे तो लगा कि धोनी के साथ जो हुआ ना उसमें वो गलत हुआ था, MS धोनी के साथ, और फिर उनका गुस्सा बहुत जायज़ था। वैसे सारे अपने अपने लिहाज से एक्सप्लेनेशन हो सकती है, लेकिन मुझे धोनी वाला जो है ना एक मेरे माइंड में बैठा हुआ यार। एक और मुझे सही लगा था वो जब एक ऑस्ट्रेलियन टीम के जो बंदे की लड़ाई होती है इंडियन टीम के साथ, तो वो फिर बाद में अपोलोजाइज़ करते, तो वो बड़ा फिट था। खैर जी, आई होप आपको भी मैसेज देखने में अच्छा लगा होगा। इसके और पार्ट्स भी हैं, अगर आप चाहेंगे तो हम उन पे भी रिएक्शन दे सकते हैं। ये आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर दें, और रिएक्शन अच्छा लगा तो यू व्हाट टू डू, लाइक एंड सब्सक्राइब माय ब्लॉग चैनल, जाके लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो फॉर लेटेस्ट फोटोज एंड अपडेट्स के लिए। इसी तरह हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नए रिएक्शन लेके आएंगे, तब तक के लिए अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।